नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टेट पॉइंट पे। और आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का मैप। तो यार बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जल्दी से मैप की वीडियो बना दीजिए, आपने सिलेबस तो कंप्लीट करवा दिया है लेकिन मैप तो रह ही गए, मैप तो करवाया नहीं आपने। तो देखो यार, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों के डिमांड के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाई जाती है ना। आप लोगों ने कमेंट में बोला कि सर मैप की वीडियो बना दो, तो सबसे पहले मैप की वीडियो ही आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, है ना। तो यार आज की इस वीडियो में हम जितने भी मैप देखने वाले हैं, मैं बता दूँ, पर एक मैप जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें से, और उसको फिक्स समझ लो कि वही मैप आपके एग्ज़ाम में आने वाला है। लेकिन इसके अलावा भी मैंने तीन और मैप इसमें ऐड कर रखा है, यानी कि कुल मिलाकर चार मैप आपको कराऊंगा, जिसमें से एक मैप जो है उसको मैं भाई 100% कह रहा हूँ कि वही मैप आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम में आने वाला है, तो उसको तो करके जाना ही है। साथ ही साथ में जो तीन और मैप बताऊंगा उसको भी आप एक बार जरूर कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया का मैप करेंगे, ठीक है। 10वें चैप्टर में आपका ऑस्ट्रेलिया का जो टॉपिक है वहाँ से ये मैप, उस चैप्टर में ये मैप है। और यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया के मैप में जितने भी जगह दे रखे हैं, पहले हम उस जगह को ध्यान से देख लेते हैं, उसके बाद एक खाली मैप है उसमें भी हमें कुछ जगह को फिल करना है। तो पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर एक जगह, हर एक लोकेशन के जो लोकेशन जो है उसको याद कर लेंगे, है ना। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे भाई ऑस्ट्रेलिया की राजधानी से हम शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी हो है कैनवरा, है ना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनवरा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं लोकेशन कैनवरा का, ठीक है। और आपको मैं एक और चीज़ बता दूँ कि ऑस्ट्रेलिया ऐसा मतलब देश है या महाद्वीप भी है, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है और एक देश भी है। तो इसमें ना समुद्र किनारे के आसपास ही लोग रहते हैं, बीच वाला मतलब जो जितना अंदर जाएंगे ना वो जंगली इलाका है, जंगल वगैरह है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग बहुत कम रहते हैं, जो ये समुद्र के आसपास के जो इलाके हैं ना मेन, वहीं पे लोग निवास करते हैं। तो सबसे पहले आप कैनवरा देख लिया, कैनवरा के ऊपर आप लोगों को दिख रहा होगा सिडनी, है ना, सिडनी दिख गया आपको। उसके बाद इधर आप नीचे देखेंगे मेलबर्न है, ये मेलबर्न, ठीक है। ऊपर एडिलेड आपको दिख रहा होगा, एडिलेड, ठीक है। इसके अलावा पर्थ, ये रहा आपका पर्थ और डार्विन, ठीक है। ये प्रमुख जगह है ऑस्ट्रेलिया में। दोबारा मैं एक बार लोकेशन आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनवरा, उसके ऊपर है सिडनी रहेगा आपका, यहाँ पे आप देखेंगे मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डार्विन, ठीक है। तो एक, दो, तीन, चार और पाँच, ये पाँच जगह ही आपको याद करके रखना है। एक यहाँ पे भी दिया हुआ है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है, इसको भी आप याद कर ली। तो बस ये छह जगह आप याद कर ली, ये छह लोकेशन आप याद कर ली, इसके अलावा इस मैप में से आपको कुछ और पूछा ही नहीं जाएगा, यही सारी चीज़ें आपके मैप में आने वाली है। और आपके सिलेबस का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैप है ऑस्ट्रेलिया का, जो मैप है समझ लो फिक्स है भाई, आपके सेकेंड टर्म के एग्जाम में यही मैप आने वाला है। अब खाली मैप दिया है जो ऑस्ट्रेलिया का, उसमें हम देख लेते हैं भाई, ठीक है। ये खाली मैप दिया गया है और यहाँ पे तीन लोकेशन टिक किया गया है। तो भाई अगर आप जैसे ऊपर आपने देखा, तो ऊपर तो भाई आप लोगों को एक ही लोकेशन दिख रहा था जो था डार्विन, है ना। तो यहाँ पे तो आपको डार्विन भर देना है। आप यहाँ पे देख रहे थे, यहाँ पे आपका पर्थ था, ठीक है। और नीचे एक लोकेशन जो था आपका तीसरा एडिलेड का, ठीक है। तो ये जो तीसरे नंबर पर जो दिया गया है, ये जो लोकेशन दिया गया है वो एडिलेड है, ठीक है। तो ये तीन लोकेशन आपको और जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे मैप नंबर दो, जो कि है सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। ये आपका इंग्लैंड का मैप है। तो ये पहले खाली मैप दे दिए, हम पहले भरे हुए मैप को देख लेते हैं, और जो भी आपका लोकेशन है उसको हम देख लेते हैं, सूती उद्योग, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लोकेशन दे रखे हैं भाई, बहुत ही कम चांस है कि ये मैप आपके एग्जाम में आएगा, लेकिन एक बार हम इसको देख लेते हैं भाई। देखो सबसे ऊपर स्कॉटलैंड दिया हुआ है, उसके बाद ग्लासगो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आप लोकेशन देखेगी न्यू कैसल, कैसल है ना, न्यू कैसल दिया गया है। यॉर्कशायर आपका दिया गया है, लीड्स दिया गया है, ठीक है। मैनचेस्टर दिया गया, मैनचेस्टर भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर ये मैप आता है तो मैनचेस्टर आपका जरूर पूछा जाएगा, ये बीच में आपको इस जगह पे मैनचेस्टर दिखाना होता है, ठीक है। लंकाशायर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद करके रखना है। वेल्स, यहाँ पे आपको नीचे वेल्स दिख रहा होगा, नीचे ब्रिस्टल चैनल आपको दिख रहा होगा, ठीक है। इसके अलावा लंदन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तीन चार में आपको पाँच छः लोकेशन बता देते, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका ग्लासगो हो गया, ठीक है, आपका न्यू कैसल हो गया, आपका यॉर्कशायर हो गया, लंकाशायर हो गया, ठीक है, वेल्स हो गया, और लास्ट में ये आपका जो लंदन दिया गया है,
ये इस मैप में 5-6 लोकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक बार हम ये खाली मैप को देख लेते हैं, जो भी लोकेशन दिया गया है। अब हमें यहाँ पे भरना क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले ऊपर वाला जो लोकेशन दिया गया है आप इस मैप में देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्लासगो, ठीक है। तो ग्लासगो आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद दूसरा लोकेशन आप अगर देखेंगे तो दूसरा लोकेशन यहाँ नीचे इस जगह पे दिया गया है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे आपका है न्यू कैसल, ठीक है। दूसरे लोकेशन पे आपको क्या डालना है, न्यू कैसल। और तीसरा लोकेशन कहाँ दिया गया है, देखिए तीसरा लोकेशन दिया गया है ये नीचे इस जगह पे। तो यहाँ पे अगर आप मैप में देखेंगे तो लंदन, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका लंदन। तो ये तीन लोकेशन इसमें टिक करना था आपको, जो कि इम्पोर्टेंट है। जो भी सपोर्टिंग मटेरियल में जो भी लोकेशन वैसे भरना होता है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ लो कि यही सारे लोकेशन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आपको तीन और जगह यहाँ पे भरने भी है, जैसे मैनचेस्टर मैंने आपको बोला था भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको इस जगह बीच में दिखा देना है। मैनचेस्टर को आप कभी भी मतलब अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इस जगह बीच में दिखा दें। उसके बाद लंकाशायर का अगर आप लोकेशन देखे तो इस तरफ साइड में है ना, साइड में नीचे की तरफ यहाँ पे आप देखें लंकाशायर हो गया आपका, तो ये आपको भर देना है यहाँ पे। इसके अलावा जो तीसरा लोकेशन था आपका वह बर्मिंघम, ठीक है। बर्मिंघम को अगर हम देखें तो बिल्कुल बीच में है ना, इंग्लैंड के बिल्कुल बीचों बीच बर्मिंघम आपका दे रखा है, तो इस जगह आपको इस मैप में भी बर्मिंघम भर देना है बीच में, ठीक है। तो ये आपका हो गया सूती वस्त्र उद्योग, इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योग वाला जो मैप है वो हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मैप नंबर तीन। मैप नंबर तीन है लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र, ठीक है। लोहा और कोयला उत्पादन क्षेत्र जो इंग्लैंड में है वो मैप यहाँ पे आपसे पूछा गया है। तो देखिए पहले हम भरे हुए मैप को देख लेते हैं। ऊपर वही आपका लगभग लगभग सेम नाम है, ठीक है। स्कॉटलैंड आपको ऊपर दिख गया है ना, न्यू कैसल आपका यहाँ पे दिख गया, यॉर्कशायर आपका दिख गया, लीड्स, मैनचेस्टर है ना, इसके अलावा लंकाशायर आपका दिख रहा है, ठीक है, श्रॉपशायर आपका दिख रहा है, वेल्स आपका दिख रहा है, ठीक है, बिस्टर चैनल आपका दिख रहा है, लंदन आपका दिख रहा है, बर्मिंघम आपका दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें वही है, सेम ही है, ठीक है, कुछ अलग नहीं है इसमें। हम सीधा लोकेशन को देख लेते हैं भाई कौन से लोकेशन यहाँ पे अपने को टिक करना है, ठीक है। तो भाई पहला लोकेशन जो दिया गया है इस जगह पे, तो एक बार मैप को देखते हैं भाई यहाँ पे क्या आपको भरना है। देखिए पहले लोकेशन में आपको लंकाशायर भरना है, ठीक है, लंकाशायर। आप अगर इसके लोकेशन को सही से देखें तो यहाँ पे आपका आएगा लंकाशायर, ठीक है। उसके बाद दूसरा लोकेशन जो दिया गया है, अगर दूसरे लोकेशन को हम देखें, श्रॉपशायर आपका यहाँ पे आ जाएगा दूसरे लोकेशन में, ठीक है, श्रॉपशायर। और जो तीसरा लोकेशन आपका दिया गया है वो सबसे नीचे है, जो कि है वेल्स का, ठीक है। तीसरे लोकेशन पे आपको वेल्स डालना है। तो ये तीन लोकेशन इसमें जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लंकाशायर हो गया आपका, श्रॉपशायर हो गया और वेल्स हो गया। ये तीन लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि मैप का टॉपिक रहेगा लोहा और लोहा उद्योग का, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैप नंबर तीन। अब मैप नंबर चार देख लेते हैं, जो कि इटली के राज्य है, ठीक है। इटली वाला मैप भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, इसको आप ध्यान से देख लें जो भी लोकेशन आपके दिया गया है। देखिए सबसे पहले है ऊपर पादुआ, पादुआ विश्वविद्यालय बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको पता है। वेनिस है ना, वेनिस देख ले आप, जिनेवा देख ले, ये तीन जगह सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई इस मैप में, पादुआ, वेनिस, जिनेवा, ठीक है। इसके अलावा नीचे एक मतुआ शायद लिखा हुआ है, ठीक है, सही से दिख नहीं रहा है। बोलोनिया, फ्लोरेंस, बोलोनिया फ्लोरेंस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। ये पांच लोकेशन आपको याद करके रखना है। नीचे आएंगे आपको रोम दिख जाएगा, ठीक है, और इसके अलावा सार्डिनिया, सार्डिनिया भी आप इंपॉर्टेंट मान के चल ली, और ये क्या लिखा है, कोर्सिका, ठीक है। तो ये कोर्सिका भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। और लास्ट एक और मैं आपको बता देता हूँ, सिसली, सिसली, सार्डिया, कोर्सिका, ठीक है, ये लोकेशन है आपको याद करके रखनी है। इसके अलावा ऊपर मैंने आपको पादुआ, वेनिस, जिनेवा, बोलोनिया और फ्लोरेंस, ये इंपॉर्टेंट है भाई इस मैप में। तो दोस्तों अब हम लोकेशन को देख लेते हैं कौन कौन से लोकेशन दिए गए हैं। देखो पहला लोकेशन यहाँ पे दिया गया है
जो है सार्डिनिया, सार्डिनिया है ना, सार्डिनिया आपका पहले लोकेशन पे आ जाएगा। उसके बाद दूसरा लोकेशन यहाँ पे दिया गया है, आप देखिए सिसली है ना, दूसरी लोकेशन में आपका उसमें क्या भरना है, सिसली भरना है, ठीक है। और लास्ट लोकेशन अगर आप इस जगह पे देखेंगे इसमें, तो तीसरा लोकेशन यहाँ पे दिया गया सार्डिनिया के ऊपर, जो कि है आपका कोर्सिका, ठीक है, कोर्सिका आपको भरना है इसमें। तो ये तीन लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ जगह और नाम, जगह के नाम भी दिए गए हैं, जैसे कि पादुआ दिया गया है, वेनिस दिया गया है, फ्लोरेंस दिया गया है, रोम दिया गया है और बोलोविया दिया गया है। तो ये पांच लोकेशन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको इसी मैप में फिल करना है, ठीक है। तो ये सारे लोकेशन आप देख लिए भाई एक बार, कहाँ कहाँ डालना है आपने, मैंने आपको लोकेशन बता दिया है, उस हिसाब से आप इन सभी लोकेशन को इस मैप में ज़रूर फिल कर लें, ठीक है। तो ये मैप है जो कि लगभग चार मैप आपको मैंने बताए हैं, जो कि इस चैप्टर के सबसे, मतलब इस चैप्टर का कह रहा हूँ, आपके सिलेबस जो भी है उसमें से ये चार मैप ही इम्पोर्टेंट बनते हैं, क्योंकि मैंने आपको करा दिया है। तो मैप का काम भी ख़त्म हो चुका है और आपका हिस्ट्री का जो कंप्लीट सिलेबस है वो पूरा हो चुका है भाई, कंप्लीट सिलेबस मैंने करवा दिया है। रह गया पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस का भी हो ही जाएगा, टेंशन आपको लेने की ज़रूरत है ही नहीं। और दूसरे सब्जेक्ट की भी आपको पता है कि यार दूसरे सब्जेक्ट की वीडियोस भी मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूँ, जो भी मेरे साथी लोग हैं वो भी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। तो यार आप लोग सपोर्ट करें, उन सभी वीडियो को एक बार वॉच जरूर किया करें, कंप्लीट वॉच करें, वीडियोस को शेयर करें, जब भी जाके तो मोटिवेशन आएगा उनके अंदर। मोटिवेशन का आग आएगा कहाँ से, आप लोगों के वजह से ही आएगा ना मोटिवेशन का आग, जब आप लोग वीडियो को शेयर करोगे, कंप्लीट वॉच करोगे, वॉच टाइम बढ़ाओगे वीडियो का, ठीक है। तो यार इतना काम तो आप कर ही सकते हो ना, आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग तो इतना काम कर ही सकते हो, ठीक है। तो यार वीडियो को फुल वॉच किया करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।